तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बताने वाला आपको धनी एप्लीकेशन में, धनी एप्लीकेशन में जो आपने गेम खेल के जो पैसा कमाया है वो पैसा आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आपने पैसा कमाया वो पैसा आपको मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो एप्लीकेशन धनी एप्लीकेशन जो है वो धनी एप्लीकेशन एकदम लीजेंट एप्लीकेशन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, यहाँ पर पैसा आपको नहीं मिलता। तो धनी एप्लीकेशन में आपको बता दूँ कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन है, बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप आँख बंद करके इस एप्लीकेशन पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन बात वही होती है कि आप इसके टर्म एंड कंडीशन एंड पॉलिसी को पढ़ते नहीं हो और यहाँ पे सीधा आप इनको बोल देते हो कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, फेक है। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन जो यूज़ करते हो उसकी पॉलिसी को, उसकी टर्म एंड कंडीशन जो भी होती है उनको रीड करना होता है, तभी आप एप्लीकेशन को यूज़ करें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड है या फेक है, ये एप्लीकेशन रियल है। तो मैं आप सबसे पहले बता दूं कि जो धनी एप्लीकेशन है ये एकदम रियल एप्लीकेशन है। इसमें आप इंस्टेंट यहाँ से लोन भी ले सकते हो और इंस्टेंट यहाँ से गेम खेल के पैसा कमाते हो वो भी आपको मिलता है। लेकिन क्यों नहीं मिलता आपको पैसा, क्यों आपको आपके मेन वॉलेट में पैसा नहीं जाता, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैसा जो है मिलेगा, लेकिन जिसने सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे अगर जिसने लोन लिया है उसको तो यहाँ पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि क्यों मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे अपने वॉलेट में, वॉलेट में देख लीजिएगा जो भी पैसा है वो यहाँ पर आपके धनी कैश में स्टोर होगा। यहाँ से जो मेरे पैसे थे वो कट गया, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मैंने पिछले 4 महीने से यूज़ किया है, जिसमें मेरे को पहले 1 महीना पैसा नहीं मिला, दूसरे महीने से मुझे पैसा जो यहाँ पर कन्वर्ट होकर इसमें आया है उस पैसे को मैंने यहाँ पर यूज़ भी किया है। आप यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने ये देखिए यहाँ पे जो पैसा है वो मेरे यहाँ से वॉलेट भी हुआ, डेबिट भी हुआ। अब मैं यहाँ से जो पैसा था इस पैसे को यहाँ से कट जाता है हर महीने। अब मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कि क्या होता है कि आपको जिसने एप्लीकेशन से लोन लिया है और एक होता है जिसने एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया है। जिसने एप्लीकेशन से लोन लिया है उसको पैसा तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। इनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है ये गेट रिवार्ड डेली, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ से रीड कर सकते हो। सबसे पहले देखिए जो गेम्स है वो यहाँ पे सारी चीज़ हो रही है, कैसे कैसे कौन कौन से गेम में कितने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा आपको कि जो धनी कैश को जो रिडीम है वो कैसे मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ बता रखा है जिसने लोन ले रखा उसके लिए एलिजिबिलिटी है ये, ठीक है। जिसने लोन ले रखा उसके लिए ये नहीं है, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा आपको क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है धनी कैश रिडीम लिखा है और यहाँ पे लिखा है एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने ये पैसा जो है देते हैं। लेकिन पैसा कब देते हैं, पैसा कब देते हैं, जब आपके पास 1000 रुपये हो जाए तब। तो जैसे ही आपके पास 1000 रुपये हो जाते हैं तो ही ये पैसा जो है आपको देते हैं, ठीक है, हर महीने। जैसे कि इस महीने आपके 1000 रुपये हो गए तो अगले महीने पैसा जो भेज देंगे। लेकिन कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है इस पे भी। अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद इसमें 3 कैटेगरीज और आती है, ठीक है। एक तो है आपका सबसे पहले बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। बिफोर ड्यू डेट में तक क्या होता है कि जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया यहाँ से और आपने ये जो 6 मान लो आपने 6 महीने का यहाँ से लोन लिया और हर महीने आपकी किस्त जानी है, मतलब हर महीने आपको ईएमआई पे करना है, ठीक है। अब ईएमआई हर महीने पे करना है, मान लो कि 5 तारीख को ईएमआई जाती है, हर महीने 5 तारीख को ईएमआई जो जाती है और हर महीने 5 तारीख को ईएमआई आपको जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस महीने आपने 1000 रुपये कमा लिए, 1000 रुपये से ऊपर कमा लिए, तो मतलब अगले महीने जो 1000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखने जाएंगे कि जो आपने ईएमआई आपके हर महीने आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब कि अगर आपके बिफोर ड्यू डेट, मतलब सबसे पहले तो होती है बिफोर ड्यू डेट से पहले, मतलब कि आपने जैसे 5 तारीख को आपकी ईएमआई जानी है तो 5 तारीख से पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया यहाँ पे तो आपके अगले महीने जो है 1000 रुपये जो भी 1000 रुपये से ऊपर जो भी पैसा कमाते हो गेम खेल के वो पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है ड्यू डेट, मतलब कि उसी दिन जो डेट आपकी पेमेंट करने की है, ईएमआई पेमेंट करने की जो डेट है, मतलब 5 तारीख को आपकी डेट है ईएमआई पेमेंट करने की, तो उसी दिन अगर आपको ईएमआई पे कर रहे हो तो आपको 50% पैसा जो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि जब भी आप ईएमआई उसी डेट को देते हो, ईएमआई जो है वो उसी डेट को देते हो जिस दिन आपकी ईएमआई की डेट होती है, तो यहाँ से जो धनी कैश का जो गेम खेल के जो पैसा कमाया उस पैसे का आपको 50% आपको मिलेगा और 50% जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और ये बिफोर ड्यू डेट वाला आपको मैंने बता दिया कि बिफोर ड्यू मतलब जो ड्यू डेट होती है ईएमआई लोन की, जो लोन की ईएमआई जो पे करने की जो ड्यू डेट होती है उसको पे करने से पहले, मतलब बिफोर मतलब पहले, अगर 5 तारीख को अगर ईएमआई जाती है तो 5 तारीख से पहले आपने पेमेंट किया है तो
5 तारीख से पहले पेमेंट करते ही आपको पूरा का पूरा 100% जो पेमेंट आपने कमाया है गेम खेल के धनी कैश, वो आपको आपके रियल वॉलेट में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर अगर ड्यू डेट को ही अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका 50% आपको मिलेगा, 50% जो है काट लेगी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखा है कि ऑन मेकिंग ईएमआई पेमेंट कॉस्ट नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि और यहाँ पे लिखा है यूअर अर्न धनी कैश विल बी लैप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने जिस दिन आपकी ईएमआई की डेट है, मतलब 5 तारीख को अगर ईएमआई आपकी जाती है, तो उस दिन से पहले, उस दिन के बाद आपने ईएमआई चली गई, आपकी डेट खत्म हो गई, उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो आपका धनी कैश है वो बिल्कुल भी आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूअर अर्न धनी कैश विल बी लॉस, मतलब कि जो आपका जो धनी कैश होगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जिसने बंदे ने लोन लिया है उस वो बंदा लोन पे टाइम पे पेमेंट कर रहा है, टाइम पे ईएमआई दे रहा है, ठीक है, तो टाइम से पहले ईएमआई दे रहा है, तो उसको पूरा पूरा पैसा जो धनी कैश वो मिलेगा। ठीक है, और जो पैसा जो टाइम पे ही, जैसे कि आज ही डेट है और आज ही को पेमेंट कर रहा, तो 50% पैसा उसको मिलेगा, 50% कट जाएगा। ठीक है, और जो टाइम पे ईएमआई नहीं दे रहा उसको जो पूरा धनी कैश है वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको धनी कैश जो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो कि ऑन अर्निंग 1000 रुपये होने के बाद ही आपको ये हर महीने पैसा जो धनी कैश देगी। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टाइमली पेमेंट ऑन योर ईएमआई, जब आप ईएमआई की पेमेंट टू टाइम करोगे तभी आपको यहाँ से ये पैसा जो आपके वॉलेट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टोटल धनी कैश अर्न इन ए मंथ, जो आपने एक महीने में धनी कैश जो कमाया टोटल सारा का सारा आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके धनी वॉलेट में। ठीक है, जब आप पेमेंट जो टाइम पे करते हो तो। ठीक है जी, मतलब कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिसने लोन लिया है, जिस बंदे ने यहाँ से एप्लीकेशन में लोन लिया है और वो टाइमली ईएमआई की पेमेंट जो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आज हर महीने की ईएमआई जो दे रहा है वो टाइम टू टाइम, टाइम से पहले दे रहा है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो उसको जो पूरा का पूरा धनी कैश मिलेगा। ठीक है, और उसी टाइम दे रहा है जिस दिन ईएमआई देनी है, उसी टाइम अगर ईएमआई पे कर रहा है तो 50% पैसा मिलेगा उसका, 50% कंपनी काट लेगी। ठीक है, और जो टाइम पे ईएमआई नहीं दे रहा उसका सारा का सारा पैसा जो है वो कट जाएगा। ठीक है, उसको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आती है जिसने एप्लीकेशन में लोन नहीं लिया है उसको कैसे पैसे यूज़ करना है, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ दिखा दी, जिसने एप्लीकेशन में लोन नहीं लिया है साफ साफ मैं उनको बता दूँ कि उनको एप्लीकेशन में गेम खेलने की जरूरत नहीं है, उनको जो पैसा वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, वो पैसे को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं 2%। ठीक है, एप्लीकेशन में सिर्फ वो एप्लीकेशन में सिर्फ 2% यूज़ कर सकते हैं पैसों को जो आपने गेम खेल के पैसा कमाया जिस बंदे ने लोन नहीं लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए क्या लिखा है, पेमेंट ऑन पार्ट पेमेंट ऑफ नेक्स्ट ईएमआई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप इस धनी कैश का यूज करोगे तो उसको आप अगले महीने की जो ईएमआई कॉस्ट है उसको आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आपने टाइमली टाइम टू टाइम पेमेंट करो तो आपको जो धनी कैश का जो गेम का जो पैसा वो मिलेगा, और उस पैसों से आप जो आपने लोन लिया उस लोन को आप यहाँ से पे कर सकते हो। ठीक है, उस पर यहाँ पर लिखा है मोबाइल रिचार्ज एंड पोस्टपेड बिल पेमेंट, मतलब जो मोबाइल रिचार्ज होते हैं और पोस्टपेड बिल पेमेंट उसको यहाँ से भर सकते हो। उसके बाद नीचे लिखा है बिल पेमेंट्स ऑन योर इलेक्ट्रिकल गैस डीटीएच डाटा कार्ड ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा, मतलब कि जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल गैस डीटीएच उन सब की पेमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ट्रैवल अगर करते हो उसकी बुकिंग करते हो, ठीक है, बस फ्लाइट होटल ट्रेन, तो उनके लिए भी यहाँ से आप पेमेंट जो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। उसमें क्या होता है कि अगर जिस बंदे ने लोन नहीं लिया है उस वो बंदा इसको यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो समझ लो कि इस बात को जो पैसे यहाँ से आपने लोन लिया है उसको तो पैसा मिलेगा मिलेगा, तो जिस बंदे ने यहाँ पे जो लोन नहीं लिया है वो सिर्फ इस एप्लीकेशन से सिर्फ 2% पैसा यूज़ कर पाओगे। मतलब कि जो इस एप्लीकेशन में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ पे जाओगे सर्विस पे, तो यहाँ पे ये जो बिल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स है, ठीक है, मतलब कि मोबाइल इलेक्ट्रिकल डाटा कार्ड D2H, ठीक है, गैस लैंडलाइन, उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो भी ये सर्विस दे रहे हैं उसको यूज़ करने पे आपको 2% आप इसका धनी कैश का यूज़ कर सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा है कि 2% ऑफ योर बिल्स थ्रू धनी कैश। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ से परचेज करोगे या जिसका पेमेंट करोगे तो उसका सिर्फ 2% आप यूज़ कर पाओगे। मतलब कि जिस बंदे ने लोन नहीं लिया है वो बंदा सिर्फ यहाँ पे 2% एप्लीकेशन को जो गेम खेल के जो पैसा कमाया उसका सिर्फ 2% यूज़ कर पाएगा। मान लो जैसे कि मुझे किसी एप्लीकेशन किसी का रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं एक फ़ोन नंबर डालता हूँ अपना ही, और यहाँ पे रिचार्ज डाल रहा हूँ मैं जैसे कि 100 रुपये का,
ठीक है, यहाँ पे मेरे को 100 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है दिखा रहा है टोटल जो अमाउंट है 100 रुपये का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धनी कैश बैलेंस जो है वो 2% कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब 2% 100 रुपये का 2% हो गया 2 रुपये, और यहाँ पे देखिए ये जो कट रहा है और कट के यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 98 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आप रिचार्ज करोगे तो उसका 2% आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जो जिस बंदे ने लोन नहीं लिया वो सिर्फ 2% इसका यूज़ कर पाएगा और यहाँ से पैसे नहीं निकाल पाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं अगर 1000 रुपये का रिचार्ज करता हूँ और रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ से 2% कटेगा और 14 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 रुपये नहीं, यहाँ से 20 रुपये माइनस होगा, अभी मेरे पास 14 रुपये ही है तो इतना माइनस हो रहा है। मान लो यहाँ से अगर मैं 500 रुपये रिचार्ज करता हूँ 500 रुपये का, तो यहाँ से 2% कट के यहाँ से 110 रुपये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 490 का रिचार्ज होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जिसने लोन लिया है उसको पैसा मिलेगा अगर वो टाइमली ईएमआई पे करता है तो, ठीक है, और जिसने लोन नहीं लिया है उसको पैसा जो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 2% इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो बता दी कि धनी कैश कैसे यूज़ कर सकते हैं और धनी कैश आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो बता दी है, ठीक है। तो कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। अब धनी कैश में कोई भी दिक्कत आती तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।